पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न ईश्वर कृपा से आप लोगों की आज्ञा से क्या है यह मसीह की बेला में उस पास का की आ क्या है यह मसीह की बेला में उस पास का की प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने तो ये पाए प्यारी न्यारी है ये मिसाल उसकी जिसने तो ये पाए ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा परम धाम में ईश्वर की महिमा पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है, देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं।
तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे यीशु, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र की मसीह दया से मानव स्वभाव के नवनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। खुशी से गावो आत्मा मेरी, जीवन पर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गावो आत्मा मेरी, जीवन पर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। खुशी से गावो आत्मा मेरी, जीवन पर तुम महिमा प्रभु की। शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रति उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह सरी सहायता से संबंध अदुल्हन के तरह अलंकृत तेरे कलेसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहे। ये सबके प्रभु तू ही सृजनहार सर्वदा आमीन। करते हैं प्रभु जी महिमा गाते हैं, यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जय गान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी महिमा गाते हैं, यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जय गान गाते हैं, जय गान गाते हैं। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो ये सबके प्रभु सर्वदा आमीन। ऊंची स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान, ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो,
शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपने परिवार की देख रेख करने वाला ज्ञानी स्वामी है और अनुग्रहों में एवं सहायता कृपा पूर्व बरसाने वाला भंडार है। तू अपने स्वभावानुसार सदा हमेशा माक इस के प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र से वाचन, गुरुवर आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दें। भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भर होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आस्वादक देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है जो ईसा के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपड़ हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चलें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आओ गाएं हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। आओ गाएं हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर, राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूंगा। आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। शांति रहे और सुने, आप लोगों को शांति और आपको भी। संत मत्ती के अनुसार घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसे छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे दयालु पिता, हे सांत्वन दादा, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। स्वभाव में कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दादा है, हम तेरी शरण आते हैं।
हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हम अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्र दास से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों में अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपने चुने हुए भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। मेरी शरण लगा प्रभु परमेश्वर में, मेरी शरण लगा प्रभु परमेश्वर में। पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के पूजित वेदी पर अर्पित होते हैं, प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे, दूध कणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सकलेश्वर पावन, पावन पावन है सकलेश्वर पावन। पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर, कुवारी मरियम ईशु मादा का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से आनंद काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर, पुत्र प्रेरितो मुसुके दंदो विंदे करिए शांति विराजे। सब जन कहे आमेन आमेन, इस पावन वेदी पर मनाते संत तामस की याद हम करते, विजयी भक्तों शहीदों के सर। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजा दिराज साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, यकुब ईश सहार हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे हैं,
इस आशा में प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परमपिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दें। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रादि धर्माधीक्षों तथा धर्माधीक्षों याचकों तथा उपयाचकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु ईसा मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए हमारे लिए और सारे विश्व के लिए एक जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराध होने पर भी तूने कृपा पूर्व हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। भाइयों और बहनों मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों के शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए मौन रहें और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहें। यीशु मसीहा का कृपा वरदान परम पिता का प्रेम महा दिव्यात्मा की सहचरीदा साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को इब्राहिम सहात दाम याकूब के ईश्वर प्रभुवर प्रतापी राजा सकलेश्वर सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान जीत और टीक है
यह बलिदान ऊंची तोर टीक है यह बलिदान शांति हमारे साथ रहे हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमामय त्रित्व का आराधना सबकी स्तुति के योग्य है सभी जीवों की कृतज्ञता की योग्य है सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है हे प्रभु सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सनाए तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं पवित्र के रूप इन तथा दिव्य सराफिन से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुति गान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते हैं स्वर से करते स्तुति गान एक दूजे से पुकार कहते पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित हे प्रभु अवनीयम्ब तेरी हो प्रभु जय जयकार होसाना होसाना धन्य हे जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम धाम में होसाना दाऊद सुद को होसाना उनकी हर दम जय जयकार होसाना होसाना हे प्रभु ईश्वर इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है उसकी हम उपासना करते हैं वह तेरे सादृश्य है तेरे दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया वह विवेक बुद्धि और अमरदास संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना स्त्री सुजन और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में रस हमें प्रदान किया जो हम तुझे छुड़ा रहे हैं हे प्रभु ईश्वर तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं जिस रात को वह सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी और आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है ले लो और इसमें से तुम सब खाओ आमीन उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उससे उन्हें देते हुए कहा ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है ले लो और इसमें से तुम सब पियो आमीन
और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में क्या करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम भी इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमादिश रोम के संबोध्य फ्रांसिस के लिए, हमारे वर्तमान धर्माधीशों, सभी धर्माधीक्षों और पवित्र कलीसिया के लिए, याजकों, शासकों और अधिकारियों के लिए, सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित, इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा ले। कृष्णदारे सब मृत विश्वासियों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरे शिष्यानुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम एवं अवर्णनीय कृपा से इष्मद कुआरी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी भूवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और इस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी समाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माधीक्षों, याजकों और उपयाजकों के तथा पावन स्नान संस्कार के जीवनदा और जीवनदायी चिन्ह से अंकित पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख, भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो, वह तेरे भक्तों की बलि पर विराज और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुद्धान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युक्त मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुति गान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत, पवित्र और जीवनदायी नाम की वंदना, स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं, हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभुवर तेरे सदा आराधना हो। हे जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आए हैं और समस्त जगत को जीवन प्रदान करते हैं। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होते हैं और वे सदा जीवित रहते हैं।
स्वर्ग से उतरी जीवन रोटी मैं हूँ जीवन दायक रोटी प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण ही करते ये सब मुझ में सर्वदा रहते अनश्वर जीवन में ही पाते अपने मुक्ति नादाने शिष्य कणों से ऐसा ही कहा हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अनमोल शरीर रक्त से रहस्यों के समीप जाए पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटाव और कलग से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और भय से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इस रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो हमारा दैनिक आहार आज हमें दे हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सर्वदा आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। हे प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है एकमात्र पिता पवित्र है एकमात्र पुत्र पवित्र है एकमात्र आत्मा पवित्र है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें कलीसिया में उसकी स्तुति हो उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दादा प्रभु यीशु मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसके करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा आमीन। भाइयों और बहनों कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। Oh, oh, oh.
यीशु तू मेरे दिल में आया, पावन रोटी के रूप में। यीशु तू मेरे दिल में रहता है, मेरे स्वामी के रूप में। यीशु तू मेरे दिल में आया, पावन रोटी के रूप में। यीशु तू मेरे दिल में रहता है, मेरे स्वामी के रूप में। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की वर्णनी देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तूने अपनी कृपा तथा अनुग्रह से हमारे ऋण मोचन के लिए ये महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य हमें प्रदान किए हैं। इस दान के लिए तेरे परम धन्य त्रित्व को स्तुति, आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। ये सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह, हम मानवों की आशा के चिर आता तूने अपनी महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारे भूलों की दूर किया है। परम दम ये देन सदा ही धन्य है। आमीन। परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षयनेश्वर भाग्य यही स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही प्रभु यीशु ने बुलाया हमें स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता ये तन मेरा खून ये ही जो पीता है सच्चा जीवन पाएगा उसमें वास करूंगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा दंडाज्ञा से बचा लूंगा शाश्वत जीवन में लूंगा सुन लो ये प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदा संभाले प्रभु मंडली को चरणों आए भक्तों को रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर।
गौरवान्वित प्रभु ईश्वर जीवनदायी अरु पावन रहस्य हमने ग्रहण किए सलीब चिन्ह से अंकित हो विपत्तियों से मोचित हो प्रभु अर अपनी आशीष दे अब सदा ये सर्व सदा